मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे आढ़तियों को अब जींद में व्यापार मंडल ने भी अपना समर्थन दे दिया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जींद अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान वहां मौजूद व्यापार मंडल के जिला प्रधान से भी इस बारे में बातचीत की। चलिए आप भी सुनिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। आज गेहूं की खरीदारी होनी थी और उसी को लेकर के भारत नाइन की टीम पहुंची है जींद अनाज मंडी के अंदर देख जायजा लेने के लिए। और जब यहां पानी पता चला कि कुछ दिन से आढ़ती जो है हड़ताल के ऊपर चले हुए थे और साथ साथ में व्यापार मंडल ने भी आढ़तियों को जो है समर्थन दे दिया है और आने वाले टाइम में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा उसी को लेकर के हमारे साथ में है व्यापार मंडल के जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर, उनसे हम बात करते हैं। जिस प्रकार से आज अनाज मंडी में गेहूँ की खरीदारी होनी थी, किस प्रकार की बात करें, फिलहाल के हालात क्या हैं? आज अनाज मंडी में 20 तारीख को गेहूँ की खरीद होनी थी, सिर्फ 10 ट्राली आई है। 2 ट्राली सोसाइटी की दुकान पर बिकी, 8 जिम्मेदार उल्टी लगे। इसका कारण ये है, सारे आढ़ती हड़ताल पे संपूर्ण हड़ताल है, बिल्कुल शटर डाउन है। पूरे ज़िले की मंडियों में ये हाल है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, हड़ताल तोड़वाने की कोशिश कर रही है, उच्चे हथकंडे अपना रही है, कभी पुलिस प्रशासन को भेज रही है, कभी ADM को भेज रही है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, साफ कोई बात नहीं कर रही मुख्यमंत्री, कोई साफ कोई बात नहीं कर रहे। इनकी मांग है आढ़तियों की, पुरानी पत्ती से गेहूँ खरीद की जाए। कभी पोर्टल की बात करती है, कभी बैंकों की बात करती है, कभी आपने किसानों को ये चेक द्वारा पेमेंट करनी पड़ेगी, सारी बातें हैं इसमें, तो कभी ब्यौरा देना पड़ेगा। सरकार दिन भर दिन आढ़ती को और किसान को उलझाती जा रही है। आप देख रहे हो कितना गंभीर मौसम बना हुआ है, अगर ये बारिश हो गई किसान तो बिल्कुल मर जाएगा, किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर ये मौसम ख़राब है, ओलावृष्टि होगी, वर्षा होगी, तो किसान की फसल तो भीग जाएगी। सरकार अपनी तरफ से ऐड बनाई होगी ई ट्रेडिंग की जाए, आरती कह रहे हैं कि डायरेक्ट किसानों से की जाए, लेकिन जो समस्या है एक्चुअल वो क्या है, क्यों ई ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्यों वो चीज़ डायरेक्ट आरती के द्वारा जो खरीदारी कर दी? ई ट्रेडिंग का कोई मायना ही नहीं होता। जब 50-60 साल से मंडी काटी हुई है, सरकार द्वारा काटी हुई मंडियां हैं, सरकार के दिए हुए लाइसेंस हैं, तो ये साजिश के तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदेशी कंपनियों को ये व्यापार थोपना चाहती है। आप छोटे छोटे दुकानदारों की बात ले लें, अभी फैसला आया था, एक तरफ तो लॉकडाउन है, सारी दुकानें कम से कम हरियाणा में 10 लाख दुकानें बंद हैं, एक तरफ तो लॉकडाउन की वजह से सरकार के नियम से ये लॉकडाउन की वजह से पूरा हरियाणा बंद है, और एक तरफ विदेशी कंपनियाँ आई है अमेजोन और फ्लिपकार्ट, उनको टेंडर दे दिया भी तुम होम डिलीवरी अपना सामान बेचो, उनको इजाज़त दे दी। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये दुकानदार हैं जितने भी व्यापारी भाई हैं, क्या ये दुकान बंद कर दें? क्या साजिश के तहत आप इनका व्यापार छीनना चाहती है? क्या साजिश के तहत आपने कोई इन पे कोई मोटी डील की है कंपनियों से? हम ये पूछना चाहते हैं। और व्यापार मंडल का आज एक फैसला भी आया, पूरे प्रदेश स्तरीय फैसला है, हमारे अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी हैं, उन्होंने फैसला लिया है भाई, आढ़ती का और सारी ट्रेड यूनियनों का चोली दामन का साथ है। ये लोकल अर्थव्यवस्था है हमारी, अगर किसान गेहूं हमारे अनाज मंडी में लाएगा, वो पैसे लेके जाएगा, कपड़े की दुकान पे जाएगा, रेडीमेड की दुकान पे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाएगा, अगर ये आढ़तियों के माध्यम से खरीद शुरू नहीं होगी तो हमारा व्यापार भी चौपट होने के कगार पर है। मैं सरकार से चेतावनी देना चाहता हूँ, 3 दिन का अल्टीमेटम दे दें हम सरकार को, पूरा व्यापार मंडल आढ़तियों के साथ है, अगर आढ़तियों से ये गेहूँ खरीद नहीं कराई, पुरानी पत्ती से ये गेहूँ चालू नहीं कराई, तो व्यापार मंडल भी कोई ठोस निर्णय ले सकता है जिसके आगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे सरकार को। जी बिल्कुल, देखिए ये बात सही है, लेकिन किसान भी आपसे बात करते रहते हैं, मुलाकात कर रहे थे, किसान भी मंडी में आते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहने को मिलता है? किसान एक ही बात कर रहा है, भाई मैं आढ़ती जो हमारा है वो हर समय 24 घंटे हमारा ATM है, सरकार हमारी जो ज़रूरत है उनको पूरा नहीं कर सकती, ना किसान सरकार पे विश्वास कर रहे हैं। आढ़ती के पास तो किसान 24 घंटे किसी रात को भी आ जाए, चाहे शादी ब्याह की कोई सामान लेना हो, चाहे बीमारी के लिए कोई सामान लेना हो, तो आढ़ती के पास आता, आढ़ती तुरंत उसको पैसे निकाल के देता है। अब भी किसान आ रहे आढ़तियों के पास पैसे लेने के लिए, कोई कटाई के लिए, कोई मजदूर के लिए, तो आढ़ती तो बराबर पैसे दे रहे हैं, तो सरकार को क्या तकलीफ है इस काम में, जब शुरू से चलती आ रही है खरीद। आज की मंडियाँ नहीं है, 70 साल की मंडियाँ हैं, ये पहली सरकार है इतिहास में, पहली बार हुआ है जो 12 दिन से लगातार आढ़ती हड़ताल पे।
प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, किसान वही किसान मंडी के अंदर आ सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन की महामारी जो चली हुई है, जिनके पास फ़ोन किया जाएगा कि इसमें एक्चुअल में जो समस्या जो आ रही है किसानों के पास जो फ़ोन किया जा रहा है उसमें क्या दिक्कत आती है, क्या प्रशासन की कौन सी खामियां रहती है उसके अंदर? ऐसा सरकार ये उच्छेद करना ना रही है, कोरोना की आड़ में व्यापारियों तबाह करने में जुटी हुई है। मैं सरकार से बताना चाहूँगा भी आप इतनी चिंताग्रस्त क्यों हैं, ये काम आड़ती वो छोड़ दे, आड़ती को कह दे भी सामाजिक दूरी बनानी है, कोरोना का कहर है तो आड़ती उसको फॉलो करेंगे, उसके लिए प्रशासन ने आना चाहिए। प्रशासन जो पहले ही दबाव बनाया हुआ है भाई आप ही ट्रेंडिंग के माध्यम से क्यों खरीद करें, सरकार की जो हिदायतें उनके अनुसार क्यों खरीद करें, कोरोना की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, कोरोना तो फैला रही है सरकार खुद, आपने देखा है सरसों में 15 से 20 तारीख लगी इन्होंने सरसों खरीद करनी थी, एक ही दुकान पे सोसाइटी पे कम से कम 5-5 हज़ार कट्टे आए हैं और सैकड़ों की संख्या में किसान आए हैं, तो कोई सामाजिक दूरी बनी नहीं, कोई एक नियम फॉलो नहीं हुए कोरोना के। तो अगर इसी तरह सरकार चलती रही तो जैसे सरकार चल रही है तो एक सोसाइटी की दुकान पे जो गेहूँ बिकवा रही है यहाँ भीड़ भड़ाका हो गया, कोई सामाजिक दूरी नहीं रहेगी, एक ना मजदूर की दूरी रहेगी, ना किसान की दूरी रहेगी, ना किसी प्रकार की कोई सामाजिक दूरी नहीं रह सकती। तो मैं प्रशासन से एक ही मांग करूँगा, आप ऊपर पहुँचाएँ आड़तियों की बात को और आड़तियों को भरोसा करें सामाजिक दूरी बनाने का, कोरोना से बचाव करने का, आड़तियों को निर्देश दें भाई आपने सामाजिक दूरी बनानी है, कोरोना का कहर है, ये कोरोना बीमारी फैल सकती है, इसको इससे दूर रहने के लिए आपने सामाजिक दूरी बनाने के लिए नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो आड़ती तैयार हैं, सेक्टरी की जिम्मेवारी छोड़ दो, जो मार्केट कमेटी जो बनी हुई है उनकी जिम्मेवारी लगा दो भाई, तुम आड़तियों को बोलो बस सामाजिक दूरी बनानी है, कोरोना कहर है, तो चीज बचा जा सकता है। लेकिन इसमें सरकार ड्रामे कर रही है, सरकार अच्छी रणनीति बना रही है, कोरोना के बहाने ई ट्रेंडिंग सरकार थोपना चाहती है, इसकी आड़ ली हुई कभी कोई आंदोलन ना खड़ा हो जाए जी, इसलिए कोरोना की आड़ ली जाती है जी। बिल्कुल, देखिए आज जो खरीदारी होनी थी वो खरीदारी तो साफ दिखाई दे रही है कि वो रुकी हुई है। बात करें पूरे जिला के अंदर, क्योंकि आप जिला प्रधान व्यापार मंडल के, बात करें कितना नुकसान सरकार के घाटे में जाने वाला है, कितना नुकसान किसानों को हो रहा है, कितना नुकसान आड़ती व्यापारियों की तरफ जा रहा है, अगर एक्चुअली में बात करें अगर ये इसी प्रकार स्थिति बनी है। ऐसा है, 2 लाख हेक्टेयर जमीन में ये गेहूँ पैदा हुई है, 4% फीस मार्केट फीस सरकार के, इसमें काफ़ी तो सरकार को नुकसान हो जाएगा, काफ़ी इसमें आड़तियों को नुकसान हो जाएगा, काफ़ी किसान को भी अंदेशा है ये बारिश होगी, बेमौसमी बारिश होगी तो ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएं, किसान जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। आज देख रहे हो बादल गरज रहे हैं, अगर ये ओलावृष्टि होगी जो किसानों की फसल खड़ी है जो खेत में पड़ी है उनके पास कोई प्रबंध नहीं है बचाने के लिए, इसकी वजह सरकार बनेगी। सरकार चाहती तो ये गेहूँ 10 तारीख को आ सकती थी, सामाजिक दूरी बना के 10 तारीख से शुरू हो जाती थी। पिछले दिनों आपने देखा हुआ 25-30 अप्रैल को 90% गेहूँ बिक जाती थी, 90% गेहूँ गोदामों में चली जाती थी। ये जो ड्रामा सरकार कर रही ना इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये कोरोना के नियम भी को तोड़ रही है और ये लोगों को सड़कों पर लाने के लिए मजबूर कर रही है। ये कोरोना का जो कहर है ना, ये सरकार कोरोना से कहर ज़्यादा ये जो नीतियाँ हैं उस किसान पे कहर है, व्यापारी पे कहर जी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में व्यापार मंडल के जिला प्रधान महावीर कंपोटी जी, इनका कहना है जो सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है, जो किसानों और आड़तियों के बीच में तालमेल रहता था उसको बना रहने के लिए रहना से जो है सरकार नहीं चाहती है। लेकिन साथ साथ में इनका ये भी कहना है अगर इसी प्रकार से सरकार अपनी ऐंठ पर अड़ी रही और वही जिस प्रकार से मौसम भी आज जो है खराब चल रहा है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, इससे काफ़ी नुकसान जो है सरकार को भी उठाना पड़ सकता है, व्यापार को भी उठा मंडल को उठा, किसानों को तो इसका भारी नुकसान है ही है। भारत 9 टीवी के लिए जींद से अनिल कुमार की रिपोर्ट।